एक ग्राम प्रोटीन में से भी हमें 4 कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम फैट में से हमें 9 कैलोरी मिलती है, 9 कैलोरी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज करके अपना वेट लॉस कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आपका वेट लॉस एग्जैक्टली होता कैसे है? फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो, आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप या तो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के बारे में या तो वेट लॉस के बारे में यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, और आपने बहुत सारे वीडियो देखे। मैं अगर स्पेसिफिकली हर्बल लाइफ की वीडियो के बारे में बात करूंगा तो आपने बहुत सारे हर्बल लाइफ रिलेटेड वीडियो देखे, उसमें आपको समझ में आया कि आपको अपने वेट लॉस करने के लिए हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज करना है, राइट। लेकिन आप प्रोडक्ट यूज करना चालू किए, अभी आप प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं और अभी भी समझो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अगर वीडियो आप देखते जा रहे हैं हर्बल लाइफ के बारे में तो किसी ने बताया कि आपको दिन में 2 टाइम शेक लेना चाहिए और कभी कभी बोल रहे हैं कि 2 प्रोटीन पाउडर ऐड करना चाहिए, 1 प्रोटीन पाउडर ऐड करना चाहिए, कभी किसी ने बताया कि आपको ये टेबलेट लेने से इफेक्ट होगा, कभी आपने बताया ये टेबलेट लेने से आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गया, तो अभी क्या हुआ, अभी आप कंफ्यूज हो गए, अभी पूछोगे कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हर जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो एग्जैक्टली मुझे वेट लॉस करना कैसे है, राइट। तो यही सारे कंफ्यूजन है आपकी, वो सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए और आपको अगर मैं एग्जैक्टली यही समझा दूं कि आपका वेट लॉस होता कैसे है तो आपके सारे कंफ्यूजन ही चले जाएंगे, राइट। सो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपका वेट लॉस कैसे होगा। ओके, अब सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि आप ये समझो कि आप लोगों को सब मालूम है और ये सही है। अभी फ्रेंड्स इंटरनेट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि हमें जो भी नॉलेज लेना होता है वो सारा नॉलेज हम लोग गेन कर ही लेते हैं इंटरनेट से। पहले ये था कि जो हर्बल लाइफ एसोसिएट होता है, जैसे कि मैं, मुझे ही सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी, वेट लॉस कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे होती थी और ये मुझे इसलिए होती थी क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, राइट। और मैं बहुत सारी हर्बल लाइफ की ट्रेनिंग लेता रहता हूँ तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब अवेयरनेस ही इतनी बढ़ गई है कि जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लोग ले ही लेते हैं। मैं आपको बेस्ट चीज बताऊं, बड़े बड़े जो डॉक्टर है वो भी सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जैसे कि हमारे हर्बल लाइफ के ही डॉक्टर डेविड हीबर, जो कि यूएस की दी बेस्ट डॉक्टर है, वो इंस्टाग्राम पे रोज 1 मिनट का वीडियो शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम में मैक्सिमम वीडियो लेंथ 1 मिनट होती है, तो वो रोज 1-1 मिनट का वीडियो वहां पे बनाते और हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अबाउट ऑन न्यूट्रिशन, ऑन वेट लॉस, ऑन प्रोटीन, विटामिन, सबके बारे में अच्छी अच्छी नॉलेज देते रहते हैं, राइट। तो आपको ये भी नॉलेज लेनी चाहिए। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपको उनको कैसे फॉलो करना है। आप अभी मत जाओ, अभी आप यही वीडियो पे रहो और वीडियो के अंत में मैं आपको याद करवा दूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्या क्या काम करना है। ओके ओके, चलो तो अब हम लोग समझते हैं वेट लॉस कैसे होता है। देखो फ्रेंड्स, जब वेट लॉस की बात आती है तब सबसे पहले कैलोरी कंट्रोल की बात आती है, डाइट प्लान की बात आती है। लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप मुझे डाइट प्लान बना के दो, आप मुझे लिख के दो कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या मुझे नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं डाइट चार्ट की एक इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, अब तक क्या आपके पास कहीं लिखा हुआ था कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? फ्रेंड्स, आप लोगों के पास नहीं लिखा हुआ था तो आपने क्या किया, आपने जाके जंक फूड खाया, ये खाया, वो खाया, बहुत कुछ खाया, तो क्या हुआ, आपका वेट बढ़ गया। अब इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अभी आपके पास अगर लिखा हुआ रहेगा कहीं पे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो आपको बहुत यूजफुल होगा आपके वेट लॉस की जर्नी के लिए। और इम्पोर्टेंट चीज, हमारे हर्बल लाइफ के बिजनेस फिलोसोफर मिस्टर जिम रोन बताते थे कि आप जो कागज पे लिखोगे वो आपके साथ रियल में होगा। इसीलिए अगर मैं एक हर्बल लाइफ एसोसिएट हूँ और आप मेरे कस्टमर या मेरे एसोसिएट हो तो मैं आपको डाइट प्लान बना के देता था अब तक, और मैं आपको लिख के देता था कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता था कि आपके पास लिखा हुआ होता था एक कागज पे, जिसकी वजह से वो रियल में होता था। लेकिन फ्रेंड्स, जिम रोन ये भी बताते थे कि अगर आप अपने हाथों से आपके गोल्स खुद लिखोगे तो वो इफेक्टिवली और जल्दी पूरे होंगे। सो फ्रेंड्स, यही मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आपकी वेट लॉस जर्नी अगर हमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से खत्म करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, आप खुद अपने हाथों से अपना डाइट चार्ट बनाओगे तो वो बहुत ही जल्दी इफेक्टिवली काम करेगा। और डाइट चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कैलोरी को समझना पड़ेगा। ओके, सो कैलोरी क्या है? कैलोरी है एनर्जी। हम लोग जो पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, अगर हम लोग सांस भी लेते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, हार्ट पंपिंग करता है, ठीक है, सब कुछ, अगर मेरी बॉडी काम कर रही है तो उसको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी का यूनिट है कैलोरी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर आपके पास एक बाइक या कार है तो वो कार को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पेट्रोल। पेट्रोल कितना चाहिए, तो इतना लीटर पेट्रोल। ये जो लीटर है वो पेट्रोल का यूनिट है। तो ऐसे ही कैलोरी हमारी एनर्जी का यूनिट है। तो हमारी बॉडी को चलने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, क्या चाहिए, हम लोग ऐसे बात करते हैं। अभी देखो, हम लोग जो भी फूड खाते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, उसके अंदर हमें कैलोरी मिलता है।
ओके, अभी हम पूरा और डीप में समझते हैं। अगर फूड फूड के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, फूड के अंदर क्या होता है, देखो ये सारी चीज कोई भी एक फूड के अंदर होता है। हाँ, आपके खाने के अंदर पानी भी होता है, फाइबर होता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, सो आप लोगों को मालूम पड़ा कि एक फूड जो होता है, हमारा खाना होता है, उसके अंदर ये सारी चीज होती है, राइट। तो इसमें से हमें कैलोरी किसमें से कितनी मिलती है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वॉटर पानी, अगर आपके फूड में आप जितना भी पानी डालते हो, जितना भी फूड है जिसके अंदर पानी है, तो उसमें जीरो कैलोरी है, पानी में जीरो कैलोरी। फाइबर, फाइबर में जीरो कैलोरी। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटो मतलब प्लांट, सो कुछ ग्रीन प्लांट में से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन लोगों को फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जीरो कैलोरी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ विटामिन्स मिनरल्स, इन सब लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इसमें से भी हमें जीरो कैलोरी मिलती है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। सो हमें हमारी कैलोरी और एनर्जी सबसे ज्यादा हमेशा मिलता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से। कार्बोहाइड्रेट, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से हमें चार कैलोरी मिलती है, ओके। एक ग्राम प्रोटीन में से भी हमें चार कैलोरी मिलती है, और एक ग्राम फैट में से हमें 9 कैलोरी मिलती है, 9 कैलोरी, ओके। अभी अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो अभी आप कोई भी खाना पकड़ लो, जितना भी अगर हमारे पास कोई भी खाना पीना जो भी रहेगा, तो उसको अगर हम लोग को कैलोरी में काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग कोई भी खाने को देख के हम लोग बता देंगे कि कौन सा खाने में से कितना कैलोरी मिलेगा। तो इसका इजीनेस के लिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, हमारे पास दुनिया में 0 से लेके 1000 तक की कैलोरी वाले खाने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 कैलोरी में हमें क्या मिलेगा, तो 0 कैलोरी में आता है पानी। आप जितना भी पानी पी लो, आपको 0 कैलोरी मिलेगा। तो आपके पास ऐसे जितने भी फूड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी हो, तो आपको 0 कैलोरी। इसलिए वेट लॉस में बताया जाता है कि आप बहुत ज्यादा पानी पियो, पानी पियो। क्यों? क्योंकि पानी में से आपको कुछ कैलोरी ही नहीं मिलता है, और वो बाकी की अंदर प्रोसेसिंग के लिए भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन आप कैलोरी काउंटिंग के लिए समझो पानी 0 कैलोरी, ओके। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे 20 कैलोरी। तो फ्रेंड्स 20 से लेकर 50 कैलोरी में यहां तक आएगा। अभी फ्रेंड्स मैं गुजराती हूं, और मैं नॉर्मली अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ भी चीजों को पैसे के साथ कनेक्ट करता हूं, और अगर मैं किसी को आपको समझाऊंगा तो भी वो पैसों के साथ समझाऊंगा, राइट। सो अभी हम 0 रुपया देखा पानी का, पानी मुफ्त में मिलता है, जितना पीना है उतना पियो। फिर है 20 रुपया, 20 रुपये में क्या मिलता है, जितने भी सब्जी है वो सारे 20 रुपये किलो मिलते हैं, ठीक है, 20 रुपये पकड़ो आप लोग, तो जितना भी चीज आया वो सारा 20 रुपये। अभी समझो कोई भी एक सब्जी उठाओ, एक उठाओ टमाटर, ठीक है, तो देखो अगर 100 ग्राम टमाटर रहेगा उसके अंदर 90% तो पानी ही रहेगा, हम सबको मालूम है, राइट। उसमें से अगर 10% में कुछ कुछ होगा फाइबर, कुछ होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो उन सबको पकड़ के कार्बोहाइड्रेट पकड़ो, समझो एक टमाटर में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, राइट, बाकी का 5 ग्राम बाकी सब कुछ है फाइबर वाइबर, तो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मुझे 4 कैलोरी मिलता है, राइट। तो उसके अंदर जो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उसमें से मुझे 20 कैलोरी मिलेगा, ओके। तो अभी देखो आप ककड़ी को पकड़ो, ककड़ी में भी बहुत ज्यादा पानी रहता है, राइट, तो ककड़ी भी 20 रुपये वाले किलो वाले में डाल दो, जितने भी वेजिटेबल है उन सारों को 20 रुपये किलो में आप डाल दो, ओके। तो जितना भी वेजिटेबल आप पकड़ लो, टमाटर, ककड़ी, भिंडी, कद्दू, कुछ भी आप प्याज भी उसमें डाल दो, ठीक है, तो कुछ भी बाजार में अगर आपको वेजिटेबल मिलता है वो सारा 20 रुपये किलो मिलता है, ऐसा समझो, वो खाओ जितना भी खाना है उतना 20 कैलोरी मिलेगा। नेक्स्ट आता है 50 रुपये वाला सेगमेंट, ठीक है। सो वेजिटेबल से ज्यादा महंगा होता है फ्रूट्स, राइट। अगर आप कोई भी एप्पल को पकड़ लो, तो एप्पल 100 ग्राम अगर एप्पल होगा तो उसके अंदर 50% जितना पानी रहेगा, और बाकी जो भी सब मिला के उसको 50 ग्राम पकड़ो, ठीक है। सो जो 50 ग्राम में बोल रहा हूँ वो 50 से 80, 50 से 70 वाला कोई भी फ्रूट पकड़ लो, तो आप कोई भी फ्रूट खा लो वो 50 रुपये का होता है, राइट। सो आप कोई भी फ्रूट खाओ जिस उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी रहेगा, तो बाजार में आप जितने भी फ्रूट देख रहे हो उतना उन सब लोगों को खाओ, आपको 50 कैलोरी मिलेगा। सो अभी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, वो जाएंगे 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपये में क्या मिलता है, तो फ्रेंड्स अभी समझो अगर जितना भी अनाज है, राइट, अगर आप कोई रोटी को पकड़ लो उसका वजन करोगे तो 35 ग्राम रोटी का वजन आएगा, उसमें से 10% पानी रहेगा, सो 10 ग्राम पानी चला गया और 25 ग्राम रोटी रहेगा। रोटी बनता है गेहूं से, राइट, धान से, कोई भी रोटी, कोई भी धान का रोटी पकड़ लो तो वो बना है धान से, 25 ग्राम धान मतलब कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, तो 25 में से 100 कैलोरी, राइट। तो कोई भी रोटी पकड़ लो आपको 100 कैलोरी मिलेगा, बड़ा वाला ब्रेड पकड़ लो अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो 100 कैलोरी, अगर आप कोई भी दाल पकड़ लो, राइट, वो भी 100 ग्राम खाओगे तो उसके अंदर भी अगर प्रोटीन रहेगा या कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो वो भी 100 कैलोरी,
दाल रोटी वो जो भी सब आया वो सारा 100 रुपए का है। सो फ्रेंड्स अभी तक क्या हो गया, 0 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपये। लेकिन यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अब चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप एक आलू को पकड़ लो, राइट, आलू वो वेजिटेबल में आता है लेकिन वो वेजिटेबल 20 कैलोरी होता है, राइट। लेकिन एक आलू ऐसा है जो आलू राजा बोलते हैं, वो वेजिटेबल का राजा है। सो आलू बोलता है मैं 20 रुपए वाली कैटेगरी में नहीं रहूंगा, भले आपको आलू सस्ता मिलता है, राइट, लेकिन आलू जाता है 100 रुपये वाली कैटेगरी में। ओके, उसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, आपको बहुत ज्यादा स्टार्च मिलेगा आलू में से, सो वो आलू रहेगा 100 रुपये। सो ऐसे ही अगर 50 रुपये वाली कैटेगरी में है फ्रूट, तो उसमें आ गया मैंगो और केला, तो वो मैंगो राजा, केला राजा, ये लोग भी राजा है, वो लोग भी 50 रुपए वाली कैटेगरी में नहीं रहते, वो लोग भी 100 रुपए वाली कैटेगरी में आ गए। ओके, तो ये भी 100 रुपया कैटेगरी है। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट कैटेगरी आती है डायरेक्ट 500 रुपया। 100 रुपये के बाद डायरेक्ट 500 रुपये का नोट आता था पहले, अभी तो 200 का आता है, लेकिन डायरेक्ट 500 रुपये का नोट। तो 500 रुपये के नोट में क्या आएगा, स्वीट। आप जितना भी स्वीट खाते हैं, ठीक है, तो वो सारा 500 रुपया किलो पकड़ो, स्वीट पकड़ो, और जितना भी फ्राइड चीज, ठीक है, फरसान, जितना भी फरसान, हमारे गुजरात में बहुत ज्यादा फरसान मिलता है, बालाजी नमकीन या कुछ भी अगर आप फ्राइड चीज पकड़ लोगे वो सारा 500 रुपया किलो पकड़ो, तो वो सारा में से 500 किलो मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं कभी किसी को पूछ रहा था कि अगर मुझे भूख लगी है तो मैं 100 ग्राम वेजिटेबल खाऊं या 100 ग्राम फ्राइड चीज खाऊं या वेफर्स खाऊं, तो मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे 100 ग्राम वेजिटेबल खाना चाहिए, राइट। वेजिटेबल को काट के सलाद बना के खा लो, उसमें अच्छे से थोड़ा मस्त नींबू नमक मिला के वो खा लो, और ज्यादा भूख लगे तो कभी फ्रूट खा लो, लेकिन हमें फरसान, मिठाई, स्वीट्स ये सब चीज नहीं खानी चाहिए। और भी एक चीज आता है 1000 रुपये वाला नोट, 1000 रुपये में होता है प्योर फेट, जितना भी हमारा प्योर फेट, तेल, घी, ये सब पूरा होता है प्योर फेट में, ये सब होता है 1000 रुपये वाला नोट। कोई भी तेल होगा वो 100 ग्राम में 9 कैलोरी हुआ, सो अगर आप कोई भी 100 ग्राम तेल ले लो तो उसमें 100 ग्राम प्योर फेट रहता है, एक फेट में 9 कैलोरी होता है, सो डायरेक्ट 900 कैलोरी हो गया, राइट। सो 1000 रुपये का नोट आया आपका तेल की जो भी। तो फ्रेंड्स अभी आपको कैलोरी काउंटिंग आ गया, राइट, तो अभी आपको क्या करना है, आप अपना दिन भर का जो भी फूड इंटेक है उसको देखो, आप दिन में कितनी कैलोरी लेते हैं। देखो एक एवरेज इंडियन एक दिन में 2200 से 2500 कैलोरी लेता है। अब आपको ये समझना था कि वेट लॉस कैसे होता है, राइट। तो देखो हम जितना कैलोरी इंटेक करते हैं उतना कैलोरी अगर बर्न नहीं होगा तो वो फैट में कन्वर्ट होगा, और वेट लॉस करने के लिए क्या करना है आपको, उसका उल्टा करना है। आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड पड़ा हुआ है कैलोरी, राइट, तो आप वो कैलोरी का यूज करो और कैलोरी इंटेक कम कर दो और कैलोरी बर्निंग ज्यादा कर दो। अभी देखो कैलोरी कम करना मतलब नहीं खाना ऐसा नहीं है, राइट, आपको पेट भर के खाना है, लेकिन आपको क्या खाना है, कम कैलोरी वाला फूड खाना है, राइट। हमने जो आगे देखा था 0 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, तो आप खा सकते हैं ऐसा क्या है 20 रुपया या 50 रुपया, तो आपको 20 कैलोरी, 50 कैलोरी वाला जो आइटम है वो ज्यादा खाना है, और जल्दी अगर इफेक्ट लेना है तो आपको कैलोरी बर्निंग को बढ़ाना है। देखो आप बेसल मेटाबॉलिज्म को समझ लेना, इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी कुछ न कुछ कैलोरी खुद ब खुद बर्न करता है। मैंने बताया था ना कि हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी, वो जो कैलोरी बर्न करेगा वो खुद ब खुद बर्न करेगा, राइट, क्योंकि वो खुद ब खुद काम करता है। लेकिन वेट इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि हमारा जो नॉर्मल कैलोरी बर्न हो रहा था उससे भी ज्यादा हम लोग कैलोरी ले रहे थे। सो अभी आपने क्या किया, अगर आप अच्छे से डाइट प्लान बनाओगे तो आप कैलोरी तो कम कर दोगे लेकिन कैलोरी बर्न चालू नहीं करोगे, राइट, तो आपको कैलोरी बर्निंग भी चालू करना है। अभी देखो मैं आपको कैलोरी बर्निंग के लिए एक रफ कैलकुलेशन बता देता हूं। अगर आप 1 आवर तक नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, ठीक है, आप चलते हैं, तो आपका 200 कैलोरी बर्न होता है। थोड़ा फास्ट वॉकिंग करोगे तो 300 कैलोरी बर्न होगा। फ्रेंड्स यहां देखो आपको याद है आप एक रोटी खा रहे थे तो आपको 100 कैलोरी मिल रहा था। अब देखो हम लोग एक रोटी तो खाते नहीं है, नॉर्मली 2, 3, 4 रोटी खाते, तो अगर 3 ही पकड़ो तो 200 से 300 कैलोरी मिलता है। ओके, तो आप देखो अगर आपने 300 कैलोरी ले लिया तो अगर आपको कैलोरी के सामने 1 आवर तक चलना है तो आपका कैलोरी कम होगा, है ना। बट आपने बोला आपके पास तो टाइम नहीं है उतना, तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको टाइम निकालना है, कुछ भी करो आपको करना पड़ेगा। आओ चलो कैलोरी बर्न को कंटिन्यू समझते हैं। अगर आप 1 आवर तक रनिंग करोगे, ठीक है, तो आपका 600 से 1200 कैलोरी या 1300 तक का भी कैलोरी बर्न होता है। अब देखो आप बता रहे थे ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, जब आप ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस आते हैं, तब आपको स्टेयर्स का यूज करना है। मैं फ्रेंड्स क्या करता हूँ, मैं एक एक स्टेयर चढ़ता हूँ ना, तो मैं अपनी कैलोरी बर्निंग गिनता हूँ,
हम लोग जब एक स्टेयर चढ़ते हैं ना तो रफली 0.2 से 0.3 कैलोरी बर्न होता है। सो चलो इसको मैं टाइम में बता देता हूँ, अगर 30 मिनट अगर आप स्टेयर चढ़ोगे तो आपका 100 से 150 कैलोरी बर्न होगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना कैलोरी बर्न करने में कितना टाइम जाता है। देखो अगर आप योगा करोगे 30 मिनट तो 150 से 200 कैलोरी बर्न होता है। घर पे छोटी छोटी एक्सरसाइज करोगे तो 130 से 200 कैलोरी बर्न होता है 30 मिनट में। जुम्बा या एरोबिक्स करोगे अगर 30 मिनट के लिए तो भी 150 से 350 या 400 तक के कैलोरी बर्न होता है। सो फ्रेंड्स मैं गाइडेंस दूंगा कि अगर आप सही में बहुत ही सीरियस है तो आप क्या करो, ट्रैक करना चालू करो। आप अपना कैलोरी इनटेक देखो और उसके सामने कैलोरी आउटटेक, आप कितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं वो भी देखो। सो फ्रेंड्स अभी आपको वेट लॉस का बेसिक समझ में आ गया। लेकिन फ्रेंड्स देखो डेविड हीबर लास्ट 4 साल से मुझे रोज कुछ न कुछ समझा रहे हैं, इसका मतलब मैंने कितना सारा समझा है तो वो सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको इस वीडियो के एंड में क्या करना था वो मैं याद करवा देता हूँ। आपको डेविड हीबर को फॉलो करना है, नीचे उनके इंस्टाग्राम की और फेसबुक की लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करो और फॉलो और लाइक करो। दूसरी बात मैंने नीचे डाइट प्लान भी दिया हुआ है, आप वो देखो और अपना खुद का ऐसा ही डाइट प्लान बनाओ। क्योंकि मिस्टर जिम रोन ने बताया था ना कि आपके खुद के गोल्स आपको खुद को लिखने हैं। मिस्टर जिम रोन की भी फेसबुक की लिंक मैंने नीचे दे दी है, आप उनको भी फॉलो करो, उनको भी लाइक करो। ओके सो फ्रेंड्स आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दो। बी हेल्दी एंड हैप्पी विथ हर्बल लाइफ। बाय।